हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन बात करने वाले 10 अपकमिंग व्हीकल इन नेक्स्ट मंथ मींस सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आने वाली नई 10 कार्स। लिस्ट में आपको कोई भी गाड़ी पसंद आए कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। लिस्ट में पहली गाड़ी हो जाएगी जीप एवेंजर। जीप एवेंजर जीप की तरफ से इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी होने वाली है। इस गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 8 लाख रुपए से और टॉप एंड मॉडल जाएगा इस गाड़ी का 12 लाख। ये गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी जिस पे आपकी जीप कंपास आती है। वही इंजन फॉर्मेट की बात करी जाए इस गाड़ी में, वो रहेगा आपका 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा पावर आपकी 100 bhp की, साथ ही साथ 144 nm का टॉर्क। इस गाड़ी की पेयरिंग हो जाएगी आपकी एक 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और एक 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। इस गाड़ी का लॉन्च होगा आपके एंड ऑफ अक्टूबर 2023 में। वहीं इस गाड़ी के राइवल्स की बात करूँ तो इस गाड़ी का सबसे बड़ा राइवल होगा ह्युंडई वेन्यू, किया सोनेट और मारुति सुजुकी ब्रेजा जैसी गाड़ी। लिस्ट में दूसरी गाड़ी हो जाएगी ह्युंडई की तरफ से ह्युंडई सेंटा फे। ह्युंडई सेंटा फे पहले भी इंडिया में बिकती थी, फिर बंद हो गई। न्यू फेसलिफ्ट के अंदर गाड़ी में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। गाड़ी का फ्रंट फेशिया प्रॉपरली अपडेट हो चुका है। गाड़ी के अंदर आपको एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने मिलेगा। वही इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करूँ तो गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस रहेगी आपकी 25 लाख रुपए और टॉप एंड मॉडल जाएगा इस गाड़ी का 35 लाख। ये गाड़ी राइवल करेगी इंडिया के बिगेस्ट नेम से जैसे कि टाटा सफारी और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जैसी गाड़ियाँ। गाड़ी के अंदर इंटीरियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा मिलेगा 11 इंच का, जिसमें रहेगा आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और GPS नेविगेशन सिस्टम ह्युंडई की तरफ से। इंटीरियर कलर फॉर्मेट भी आपको एक वाइट कलर में मिलेगा जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा गाड़ी लग्जूरियस रहेगी। ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी एंड ऑफ अक्टूबर 2023 या फिर नवंबर की स्टार्टिंग। इन दो टाइम में से किसी एक टाइम फ्रेम में आपको ये गाड़ी इंडियन मार्केट में देखने मिल जाएगी। लिस्ट में नेक्स्ट गाड़ी हो जाएगी टाटा की तरफ से टाटा पंच ईवी। टाटा पंच ईवी इंडिया में मल्टीपल टाइम इंडियन रोड को स्पॉट करी है तो इस गाड़ी का आना तो कंफर्म है। ये गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट तकरीबन आपके 8.5 लाख रुपए से और टॉप एंड मॉडल जाएगा इस गाड़ी का 12 लाख। वही इस गाड़ी के बैटरी पैक की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 24 kW का आयन बैटरी पैक देखने मिल जाएगा जो कि जिप्ट्रॉन स्टाइल में ही आएगा। तकरीबन ये गाड़ी आपको 350 टू 400 किलोमीटर की रेंज दे देगी। और अपडेट्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में ज़्यादा अपडेट आएगा इसके व्हील्स पर। आपको न्यू 16 इंच के डायमंड कटेड अलॉय व्हील्स देखने मिल जाएंगे। गाड़ी में आपको इंटीरियर में इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ देखने मिलेगा ही, साथ में एक 10.25 इंच का टच स्क्रीन फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने मिल जाएगा। गाड़ी में सबसे ज़्यादा चेंज आने वाला है इसके अलॉय व्हील्स पे और साइड फिगरिंग्स पे, क्योंकि अब आपको हो सकता है इस गाड़ी में रूफ रेल्स देखने मिल जाए और एक अलग नया कलर फॉर्मेट भी देखने मिल जाए। लिस्ट में नेक्स्ट गाड़ी हो जाएगी ह्युंडई की तरफ से ह्युंडई आयोनिक 6। ह्युंडई आयोनिक 6 एक सेडान ईवी गाड़ी रहेगी। ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी नवंबर तक। इस गाड़ी के अंदर आपको 168 kW का बैटरी पैक देखने मिल जाएगा जो कि आपको तकरीबन 225 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देगा। इस गाड़ी में लेकिन आपको एक 7-speed DCT गियरबॉक्स ही मिलेगा, इस गाड़ी में आपको मैनुअल गियरबॉक्स देखने नहीं मिलेगा। वहीं इस गाड़ी की रेंज की बात करूं तो इस गाड़ी का रेंज होगा तकरीबन 470 km। इस गाड़ी के हिसाब से ये गाड़ी की रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बट प्राइसिंग भी उतनी ही शानदार है। इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस रहेगी इंडियन मार्केट में 27 लाख रुपीज़ और टॉप एंड मॉडल जाएगा आपका 36 लाख रुपीज़। ये गाड़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड चल रही है, उतनी ही इस गाड़ी की पावर है और वैसा ही इंटीरियर है। इंटीरियर में भी आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी, मसाजिंग सीट्स, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, एक बढ़िया सा पैनारोमिक सनरूफ देखने मिल जाएगा और बाकी सारी फीचर्स भी देखने मिलेंगे। वहीं इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करूँ तो आपको एडास सेकेंड लेवल देखने मिल जाएगा और 6 एयरबैग्स ऑन अ स्टैंडर्ड में। लिस्ट में नेक्स्ट गाड़ी रहेगी आपकी महिंद्रा की तरफ से। ये गाड़ी का अभी मल्टीपल टाइम रेंडर निकला है और कंपनी भी कहीं ना कहीं हिंट कर रही है कि ये गाड़ी का आना तो कंफर्म है। XUV 9 डबल। ये गाड़ी में सबसे ज़्यादा चेंजेस आने वाला है इस गाड़ी की पावर ट्रेन और साइजिंग में। ये गाड़ी कोई व्हीकल में निकाली जाएगी बट आपको इसमें एक 7-सीटर वेरियंट भी देखने मिल जाएगा। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करूँ तो इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस रहेगी 25 लाख रुपीज़ और टॉप एंड मॉडल जाएगा इस गाड़ी का अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख तक। इस गाड़ी का लॉन्च होगा नवंबर 2023 में। वही इंजन फॉर्मेट में इसको आपको ईवी भी मिलेगा और नॉर्मल इंटरनल कंबशन भी देखने मिल जाएगा। 2.5 लीटर का
डीजल इंजन देखने मिलेगा जो कि तकरीबन 230 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। इसकी पेयरिंग होगी आपके एक 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ और एक DCT गियर बॉक्स के साथ। ये गाड़ी में काफ़ी सारे नए चेंजेस आने वाले हैं, बट अभी इसका आना बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट गाड़ी आपको देखने मिल जाएगा Hyundai Venue का CNG वेरिएंट। Hyundai Venue वैसे काफ़ी ज़्यादा शानदार गाड़ी है और कॉम्पिटिटिव व्हीकल में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक। इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करूँ तो इस गाड़ी में आप प्राइसिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 8.5 लाख और टॉप एंड मॉडल जाएगा आप 11 लाख। लॉन्च होगा इस गाड़ी का सितंबर 2023 तक। वही इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर मिलेगा छोड़ रहेगा और वो प्रोड्यूस करेगा आपकी 83 bhp की पावर। साथ ही आपको एवरेज दे देगी तकरीबन आप 23 से 24 तक। और गाड़ी में सबसे बड़ा अपडेट आने वाला है इसके गियर बॉक्स में। इस गाड़ी में अब आपको 6-speed मैनुअल देखने मिलेगा और एक 7-speed DCT गियर बॉक्स देखने मिल जाएगा। लिस्ट में नेक्स्ट गाड़ी रहेगी आपकी हैरियर, टाटा हैरियर ईवी। टाटा हैरियर ईवी जो कि स्टार्टिंग 2023 में दिखाई गई थी, इस गाड़ी में काफ़ी सारे नए चेंजेस आने वाले। सबसे बड़ा चेंज आने वाला है इस गाड़ी में फ्रंट फेशिया, न्यू फेसलिफ्ट फ्रंट फेशिया देखने मिल जाएगा। वही इस गाड़ी में आपको 19-inch के डायमंड कटेड अलॉय व्हील्स देखने मिलेंगे। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करूँ तो इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस रहेगी आप 23 लाख रुपीज़ और टॉप एंड मॉडल जाएगा आपका 28 लाख रुपीज़। इस गाड़ी की अपनी बैटरी पैक की बात करें तो आपको 45 kW का एक बैटरी पैक देखने मिलेगा जो कि आपको 450 km की रेंज देगी। इस गाड़ी में रेंज काफ़ी ज़्यादा शानदार आना। लिस्ट में नेक्स्ट गाड़ी हो जाएगी निसान ज्यूक। निसान ज्यूक ऑलरेडी बाहर के मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्म कर रही है। ये गाड़ी में देखा जाए तो आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने मिल जाएगा। एक 1.6 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने मिलेगा जो कि 96 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ 140 Nm का टॉर्क बना के देगा। इसकी पेयरिंग होगी आपकी एक 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ और 6-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट गाड़ी होगी जो कि हाइब्रिड मार्केट में आएगी। मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्म करेगी। लिस्ट में लास्ट गाड़ी हो जाएगी होंडा की तरफ से, होंडा पायलट। होंडा पायलट ऑलरेडी बाहर के मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्म कर रही है। इस गाड़ी का राइवल बड़ी बड़ी गाड़ियों से होगा, जैसे आपकी MG ग्लॉस्टर और फॉर्चुनर जैसी गाड़ियों से। इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपकी स्टार्टिंग प्राइस रहेगी 30 लाख और टॉप एंड मॉडल जाएगा आपका 40 लाख रुपीज़ तक। गाड़ी में आपको 3.6 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन देखने मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करेगा पावर आपकी 220 bhp के साथ ही साथ 400 Nm टॉर्क। इसकी पेयरिंग होगी आपके 8-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ और इस गाड़ी का लॉन्च होगा तकरीबन सितंबर 2023 के एंड तक। ये गाड़ी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा शानदार गाड़ी होने वाली है। गाड़ी बहुत रगेड नेचर की आएगी जिसमें आपको 4x4 भी देखने मिलेगा। वही एक्सटीरियर की बात करो तो एक्सटीरियर में बहुत रगेड नेचर और मल्टी बैच देखने मिल जाएंगे। 20-inch की स्टील कलर डायमंड अलॉय व्हील्स देखने मिल, सो गाड़ी फुल ऑन लोडेड ही आ